अपने सिंबल अपने झंडे से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का टिकट तय करना हमारी पार्टी का काम है, आपका नहीं है। हम समझौते में एक ही सीट पे लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन वो एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी से लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा हम लोग नहीं लड़ेंगे। मैं 20 मिनट के बाद हम तीनों लोग इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा वो इस नाते मंजूर नहीं कर रहे हैं कि आप अभी देख लीजिए, बगल में बलिया में हमारी फ़ोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं। राजनाथ जी बस्ती में आए, वहाँ भी फ़ोटो लगी है। मोदी जी आए थे बनारस रोड शो में, तो उनके जो बैनर लगे थे, रोड शो की जो गाड़ी थी उस पर भी ओम प्रकाश राजभर की फ़ोटो लगी थी। पूरे प्रदेश में ये लोग ओम प्रकाश राजभर की फ़ोटो लगा के वोट मांग रहे हैं। हम तो इस्तीफा दे दिए, तो स्वीकार करना तो उनका काम है ना। तो क्या निर्वाचन आयोग में इसका, इसकी लिखित हम लोगों ने शिकायत निर्वाचन आयोग को कर दिया है। लेकिन क्या करें, निर्वाचन आयोग भी भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है। क्या उनके हाथ में विका है निर्वाचन? बिल्कुल, निर्वाचन आयोग इसी तरह का काम कर रहा है। अब मैं एक घटना बता दूं, भाजपा के नेता के इशारे पर महाराजगंज में कबिलास राजभर का पर्चा वैध हो गया, अखबार में समाचार आ गया और डीएम ने कहा कि जाइए आपका पर्चा वैध। वो चलाया, फिर सुबह जब सिंबल लेने जा रहा है तो दो लोगों को सिंबल अलाट हो रहा है, तीसरा नंबर जब उसका आ रहा है, तो जब उसका नंबर आ रहा है तो फिर ऑब्जर्वर और रिटर्निंग अफसर कह रहे हैं कि नहीं, रुको रुको रुको, इनका पेपर निकालो। फिर पेपर निकाल करके उसका पर्चा रिजेक्ट किया जा रहा है, क्या साबित करता है? जब इसकी शिकायत तुरंत चुनाव आयोग को की गई, आज तक कोई संज्ञान नहीं। जब डीएम को इसकी लिखित दी गई, ऑब्जर्वर को दिया गया, कोई उसका तो रिजल्ट नहीं, तो ये क्या साबित करता है? प्रकाश राजभर को सुन रहे थे आप, और देखिए किस प्रकार से आरोप लगाया इन्होंने। इनका कहना था कि बलिया में इनकी तस्वीर, बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो तक में इनकी तस्वीर लगाकर वोट मांगा गया है, और इन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी दी है, इस्तीफा देने के लिए भी गए थे लेकिन इस्तीफा लिया नहीं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही है, ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने दिया इस्तीफा। जो सुखबुगाहट थी लोकसभा सीटों को लेकर घमासान था, अक्सर ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी सामने थी, और इनका कहना 13 अप्रैल को ही इस्तीफा दिया था लेकिन लिया नहीं गया। ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद से अब इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी का साथ ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा है, और जिस प्रकार से निगम और आयोग से भी इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा सीटों को लेकर निश्चित तौर पर जो घमासान चल रहा था उसकी एक एक तस्वीर हमने आपको शुरू से ही दिखाया था कि किस प्रकार से बात नहीं बन पा रही थी, बात बनने और बिगड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा था। कभी कहते थे बड़े भाई हैं अमित शाह, कभी कहते थे उनकी नीतियां सही नहीं है, और लगातार जब ये सवाल उठ रहे थे कि आप मंत्री पद पर क्यों बने हुए, तो इनका कहना था हम इस्तीफा दे रहे हैं, वो लोग ले ही नहीं रहे, और इस्तीफा को स्वीकार नहीं किया जा रहा। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा दिया है निगम और आयोग से भी। ओम प्रकाश राजभर का इस्तीफा है। लोकसभा सीटों को लेकर घमासान, इनका कहना था एक ही सीट है तो वो अपने सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का ये कहना था कि आप हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ें। और एक बार और आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने, सुनिए। मंत्री जी, योगी सरकार और भाजपा पर बराबर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं, तो इसके बावजूद भी अब मंत्री बने हैं, ऐसा क्यों? 13 तारीख की रात को ही हमने मंत्री पद से इस्तीफा उनको दे दिया। जब उन्होंने ये कहा कि आप खुद हमारी पार्टी से, हमारे सिंबल से, भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पे आप घोसी से चुनाव लड़िए, तो मैंने उनसे कहा कि हमारी पार्टी अपने सिंबल अपने झंडे से चुनाव लड़ेगी। पार्टी का टिकट तय करना हमारी पार्टी का काम है, आपका नहीं। हम समझौते में एक ही सीट पे लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन वो एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी से लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा हम लोग नहीं लड़ेंगे। मैं 20 मिनट के बाद हम तीनों लोग इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा वो इस नाते मंजूर नहीं कर रहे हैं कि आप अभी देख लीजिए, बगल में बलिया में हमारी फ़ोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं। राजनाथ जी बस्ती में आए, वहाँ भी फ़ोटो लगी है। मोदी जी आए थे बनारस रोड शो में, तो उनके, तो आप सुन रहे हैं संजय राय जी, किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं, आप उनकी फोटो को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी कई बार जो है बयान दिए हैं, यू टर्न लिए हैं, बयान